दोस्तों टेक स्टेप्स के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल अर्थ ऐप क्या है और इसका यूज कैसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों गूगल अर्थ ऐप का यूज कर आप किसी भी लोकेशन का 2D व्यू 3D व्यू ले सकते हैं, अपनी करंट लोकेशन जान सकते हैं, किसी दो लोकेशन के बीच कितना डिस्टेंस है ये देख सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है ये भी जान सकते हैं और दूसरे प्लेसेस भी बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझाता हूँ गूगल अर्थ ऐप को किस तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों मैं गूगल अर्थ ऐप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों गूगल अर्थ ऐप ओपन हो चुका है। ओपन होते ही ऐप में आपको अर्थ दिखेगा पूरा, इसको आप स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट और स्वाइप अप स्वाइप डाउन कर रोटेट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको आपकी करंट लोकेशन चाहिए यानी जहां कहीं पर भी हैं आप वो लोकेशन चाहिए तो यहां राइट साइड में सबसे ऊपर एक लोकेशन का आइकन, इस पर आप टैप करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, तो आप परमिशन दे दीजिएगा। जैसे ही आप परमिशन देंगे आपकी करंट लोकेशन पर ये आपको ले जा लेगा। तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर का पॉइंट है वो आपकी करंट लोकेशन बता रहा है। इसी तरह दोस्तों आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये था 2D व्यू। बाय डिफॉल्ट गूगल अर्थ ऐप आपको 2D व्यू दिखाता है। 3D व्यू देखने के लिए यहाँ पर 3D व्यू का ऑप्शन है, इस पर आप टैप करिए तो आपको आपकी लोकेशन या जो भी लोकेशन आप देख रहे हैं उसका 3D व्यू आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कोई भी लोकेशन को किस तरह आप गूगल अर्थ का यूज कर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों ऊपर की तरफ राइट साइड में कुछ आइकन्स हैं, जिसमें पहला आइकन सर्च का, इस पर टैप करिए। यहाँ पर आप सर्च बॉक्स में जो भी लोकेशन ढूंढ रहे हैं उसको यहाँ पर डाल दीजिए। मैं आपको समझाने के लिए भेड़ाघाट लिख देता हूँ जो कि जबलपुर में ही है, तो मैं इस पर टैप करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं सीधे आपको गूगल अर्थ उस लोकेशन पर ले जा लेगा और यहाँ पर आपको एक पॉइंटर मिल जाएगा और उससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर आपको कार्ड्स मिल जाएंगे। स्वाइप अप करके पूरी डिटेल्स जान सकते हैं और यहाँ से मैं बैक ले चलता हूँ और भी रिलेटेड कार्ड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कार्ड्स का यूज कर। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर कहाँ कहाँ से आप जा सकते हैं, मतलब कौन कौन से रूट से जा सकते हैं ये अगर आपको देखना है तो यहाँ पर राइट साइड में नीचे की तरफ सेकंड आइकन जो बना हुआ है जिस पर मैन का आइकन है, इस पर आप टैप करिए। तो दोस्तों इस आइकन पर जैसे ही आप टैप करेंगे नीचे नोटिफिकेशन आएगा, टैप ऑल लोकेशन हाईलाइटेड इन ब्लू एंटर स्ट्रीट व्यू। जैसे आप टैप करेंगे किसी भी यहाँ पर हाईलाइटेड ब्लू सर्कल पर तो आप स्ट्रीट व्यू में एंटर कर जाएंगे। तो दोस्तों ये था स्ट्रीट व्यू का देखने का तरीका गूगल मैप में। अब दोस्तों और कुछ ऑप्शंस आपको मैं बताता हूँ। ऊपर की तरफ सेकंड है दोस्तों सर्च के बाद जो सेकंड आइकन है वो वॉयजर का है, इस पर आप टैप करेंगे तो दोस्तों वॉयजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट करके देख सकते हैं और यहाँ पर आपको मेन्यू मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जिस भी ऑप्शन से रिलेटेड मेन्यू के आप पढ़ना चाहते हैं उसको टैप कर दीजिए। मैं आपको समझाने के लिए गेम्स पे टैप करता हूँ, यहाँ बहुत सारे कार्ड्स आ जाएंगे। और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर आप टैप करिए तो इससे रिलेटेड आपको क्विज मिल जाएगा। क्विज करना चाहते हैं तो लेट्स गो की बटन पर टैप कर दीजिएगा। मैं फिलहाल इसे क्लोज कर देता हूँ और वापस मैं अपनी करंट लोकेशन पे चले जाता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप दो पॉइंट के डिस्टेंस को नाप सकते हैं। ऊपर की तरफ दोस्तों कुछ आइकन है जिसमें आपको चौथा आइकन स्केल का मिलेगा, इस पर टैप करिए। टैप करते ही देखिए पॉइंट ऐड करने बोलेगा, मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर ऐड पॉइंट का बटन है इस पर टैप करता हूँ तो एक पॉइंट ऐड हो जाएगा और दूसरे पॉइंट को मेरे को जहां तक ऐड करना है मैं उसको ड्रैग करता ले चलता हूँ वहां पर पॉइंट को छोड़कर और नीचे ऐड पॉइंट का बटन है ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है वो दिखा रहा है, 61 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर जो मैंने दो पॉइंट्स खींचे हैं, दो पॉइंट जो मैंने बनाया उसके बीच जो डिस्टेंस है 61 मीटर का बता रहा है। इस तरह आप दोस्तों किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से आपको बैक ले चलता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप पोस्ट कार्ड बना सकते हैं, अपने करंट जो भी व्यू देख रहे हैं आप उसका पोस्ट कार्ड कैसे बना सकते हैं और कैसे आप व्हाट्सएप या दूसरे मीडियम पे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ऊपर लेफ्ट साइड तीन लाइन से इस पर टैप करिए, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। यहाँ पर थर्ड लास्ट ऑप्शन क्रिएट पोस्ट कार्ड का मिलेगा, इस पर टैप करिए तो आप देख पा रहे हैं जो भी करंट आप देख रहे थे उसका पोस्ट कार्ड बन गया है और आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और भी दूसरे जो भी एप्लीकेशन है उनके साथ शेयर कर सकते हैं इन पोस्ट कार्ड्स को। मैं वापस ले चलता हूं आपको गूगल मैप पे। तो दोस्तों ये था किस तरह आप गूगल मैप को यूज कर सकते हैं, लोकेशंस को सर्च कर सकते हैं, कैसे आप 2D 3D व्यू देख सकते हैं, पोस्ट कार्ड कैसे बना सकते हैं, डिस्टेंस कैसे ले सकते हैं दो पॉइंट के बीच और साथ ही साथ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में।